माफिया से डॉन बना अतीक अहमद अब अतीत हो गया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यूपी में उसकी तूती बोली। उसने अपने आतंक से खूब पैसा और पावर कमाई और इसी की बदौलत राजनीति में आया। अतीक और अशरफ दोनों की जुर्म की दुनिया के साथ साथ सियासत से जुड़े किस्सों का भी खात्मा हो गया है। वो सियासत जिसमें एक निर्दलीय नेता से लेकर सांसद तक का सफर तांगा चलाने वाले के बेटे अतीक ने तय किया था। राजनीति में अतीक के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उससे मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को गिरने से बचा लिया था, जबकि सपा में चल रही अंदरूनी कलह के दिनों में नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरफदारी करते हुए अखिलेश को कल का लौंडा तक कह दिया था। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। माफिया अतीक अहमद अब नहीं रहा, लेकिन सपा सरकार में उसका रुतबा, रसूख और रौला ऐसा था कि एक बार जब वो कानपुर आया तो उसके साथ करीब 500 गाड़ियों का काफिला था। नेताजी और चाचा शिवपाल से अतीक अहमद काफी करीब था। नेताजी का हमेशा अतीक गुणगान किया करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक को लेकर समाजवादी पार्टी में रार छिड़ गई। ये बात है 2016 की, जब सपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तब यूपी के मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, विदेश से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने वाले अखिलेश की राजनीति नेताजी की राजनीति से अलग रूप ले रही थी। वो राजनीति में साफ सुथरी छवि, लैपटॉप और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि उनके पिता अंग्रेजी और कंप्यूटर के खिलाफ रहे थे। अखिलेश एक अलग रणनीति बनाकर काम करना चाह रहे थे। उनका सोचना था कि पार्टी में दबंग और माफिया डॉन टाइप के लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए। राजनीति में भ्रष्टाचार और गुंडे के खिलाफ अपने रणनीति को लेकर अखिलेश यादव अपने ही घर में लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो वक्त था जब मुलायम के परिवार और पार्टी में पहली बार तकरार हुआ था। इसी बीच चुनाव का समय नजदीक था। साल 2017 समाजवादी पार्टी पहली बार अखिलेश यादव की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही थी। अतीक अहमद कानपुर की कैंट सीट के सपा से चुनाव लड़ना चाहता था। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव भी अतीक को कैंट सीट से चुनाव लड़वाना चाहते थे। कहा जाता है कि नेताजी ने तो अतीक को तैयारी का आशीर्वाद तक दे दिया था, मगर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका विरोध कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि अतीक अहमद को सपा से टिकट दिया जाए। अतीक को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद भी हो गया था। दोनों के बीच खाई इतनी गहरी हो गई थी कि शिवपाल ने सपा से किनारा कर लिया था। अतीक अहमद 3 जनवरी 2017 को कानपुर आया था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उसने कहा था कि अखिलेश यादव कामयाब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी वो बहुत इम्तिहान से नहीं गुजरे हैं। नेताजी ने बहुत इम्तिहान दिए हैं, अखिलेश को लगता है वो अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग नेताजी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अरे साहब, अखिलेश यादव अभी बच्चे हैं और अनाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा में बोला जाता है ना कि वो अभी लौंडे हैं। इसी बीच अतीक ने अखिलेश यादव को सीधे चुनौती भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि टेलीविजन में बहुत चल रहा है, आपका टिकट कट जाएगा। हमने कहा कि मैं निर्दलीय विधायक बहुत रहा, मैं निर्दलीय विधायक बहुत रहा। पहली बात तो मैं मुलायम सिंह जी को जानता हूँ, नेताजी को, वो हक के लिए लड़ने वाले आदमी है, मजबूती से रहने वाले आदमी है। निर्दलीय के तौर पर एंट्री लेने वाले अतीक ने राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत की। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि राजनीति पार्टियों ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुस्लिम वोट पाने की चाहत में समाजवादी पार्टी और ओवैसी की AIMIM ने अतीक का काफी
यूज किया। फिलहाल अब अतीक का अंत हो चुका है और सियासी तकरार अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिल रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।